ये है मेरी जॉर्डन सीरीज की छठी वीडियो और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी जॉर्डन की सबसे मशहूर साइट पेट्रा। अब मैं जा रहा हूँ एंशिएंट सिटी ऑफ पेट्रा को देखने। पेट्रा के लिए टिकट्स ले सकते हो आप, या फिर आपके जॉर्डन पास है तो आपकी फ्री एंट्री होती है। तो मेरे पास जॉर्डन पास है, दो दिन का 75 जॉर्डनियन दिनार में मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, जिसमें वीज़ा फ्री होता है, वादी रम में एंट्री फ्री होती है 5 दिनार की, वरना एंट्री होती है। और फिर अब चलते हैं पेट्रा की तरफ। मैं रुका हूँ वादी मूसा में, वादी मूसा से पेट्रा थोड़ा है 2 किलोमीटर की वॉकिंग पे, तो वॉक करके जा सकते हैं। ये है पेट्रा की सिटी, मतलब ये वादी मूसा है, पेट्रा के आसपास का इलाका है। तो अभी चलते जाना है और पहुंच जाएंगे पेट्रा। सैंडस्टोन कलर से बहुत प्यार है अरेबिक लोगों को। दुबई गया था, वहाँ भी सारे घर ये येलो येलो कलर के थे, यहाँ पे भी येलो कलर के हैं, और ओमान में भी सारे येलो कलर के देखे थे मैंने। तो सैंडस्टोन कलर से काफ़ी प्यार करते हैं लोग। और अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है पेट्रा में जाने में। और मैंने एक्सचेंज भी नहीं करा है, मेरे पास सिर्फ 2.5 JD पड़ा है, 2.5 छोटे दिनार बचे हैं और सारे डॉलर है मेरे पास। तो एक्सचेंज की दुकान मिलती है तो एक्सचेंज कराता हूँ मैं। होटल वाले को भी नहीं दिया अभी तक मैंने पैसे। हाँ, होटल का कमरा है मेरा 10 JD का, शाहबाज होटल, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं लेते तो 7 JD। मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट भी कर ही दो। पहुँच गया हूँ पेट्रा पर। इतनी ठंडी हवा चल रही है ना कि रशिया का मुकाबला दे रहा है ये भाई। मतलब इतनी हालत खस्ता मेरी नहीं हुई भाई, हड्डियों तक मतलब हवा पहुँच गई है। जॉर्डन पास निकाल लेता हूँ अपना, मैंने स्क्रीनशॉट खींच के रख रखा है जॉर्डन पास का। ऐसा कुछ दिखता है आपका जॉर्डन पास। देखते हैं अभी कहाँ पूछते हैं वैसे जॉर्डन पास के बारे में। ये है एंट्रेंस पेट्रा। मैं अभी तक तो पूछा नहीं मेरे से, टिकट्स ऑफिस वहाँ पे है। मैं टिकट्स ऑफिस में आपके लिए प्राइस कर पता करके बता देता हूँ। वैसे तो मैं सीधा ही कहूँगा कि जॉर्डन पास खरीद लो, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे सारा ख़रीदारी वगैरह का यहाँ सारा ये है, टिकट्स ऑफिस पता करता हूँ। तो गेट पर भाई, मेरे को तो लग रहा था कि ये फोटोज में जो एक दो फोटो हैं जो ये है यही है, इसमें तो 15-20 चीजें हैं। और टिकट्स मेरे को कहा डायरेक्टली गेट, और टिकट्स ऐसे 50, 55 और 60 दिनार की, एक दिन, दो दिन और 3 दिन करके। अब चलते हैं, हाँ तेरा एक्सचेंज का देखता हूँ भाई कितने में दे रहा है। यहाँ पे सही दे रहा होगा तो कराऊँगा, वरना मेरे को जरूरत नहीं करा नहीं कुछ। एंट्री कर ली जॉर्डन, 50+40 वीज़ा के 90, दो दिन का पास लेते तो 55, 95। वादी रम की एंट्रेंस 5 दिरहम, तो मतलब 100 का मैंने लिया है 75 में, तो 2,500 तो यहीं बच गए। सीधी एंट्री मिली है, कोई टिकट विकट खरीदने की जरूरत नहीं करी। वो QR कोड होता है स्कैन कर लेते हैं। और मेरे को लग रहा है भाई कल भी आना ही पड़ेगा, कल आधा दिन यहीं स्पेंड करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये जो आपका पेट्रा है। देखता हूँ जो जो जैसे जैसे दिखता जाता है दिखाता जाता हूँ, आज जितना होता है क्या पता सारा ही करते हैं, तो जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे दिखाता जाऊँगा आपको। मेरे कैमरे की बैटरी काफ़ी कम हो गई है और फ़ोन की भी काफ़ी कम है, तो एक काम करते हैं, पहले जो पीछे चीज़ें हैं मतलब जो एंड में है वो आज दिखा देता हूँ। और मेरा 2 दिन का पास है
और जो पहले चीजें पड़ेंगी वो कल दिखाऊंगा। तो अभी चलते सीधा आखिरी में और आखिरी में दिखाता हूँ क्या है। ये है 10 सिख, यहीं से आगे रास्ता है जाने का ट्रेजरी जो है मेन। और ठंड हो गया भाई, ऐसा लग रहा है जैसे तमिल मूवीज में नहीं आता, बिल्कुल पतला पतला सा रास्ता साइड हो गया भाई, घोड़े उड़ा जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। 10 सिख के गलियारे से गुजरने के बाद आपको देखने को मिलेगी पेट्रा की सबसे मशहूर साइट द ट्रेजरी। ये है मेन ट्रेजरी जो कि पेट्रा सिटी की है, यहीं पे है। जैसे आप पेट्रा लिखोगे तो ये वाली फ़ोटोज आएंगी, ठीक है। ये मेन आ गया है, पर फोटोज़ में क्या है कहीं से ऊपर भी चढ़ के जा सकते हैं। मेरे से गेट में मिला था एक बंदा, कह रहा था कि ऊपर लेके चलता हूँ, पर मेरे को पता था वो पैसे ही लेगा, कोई फ्री में थोड़ी लेके जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा नहीं भाई रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊँगा, कहीं से अब रास्ता देखता हूँ ऊपर जाने का, कहीं से तो होगा। ये है मेन ट्रेजरी कहते हैं इसको। यह है 10 सिख के बाद आई है और ये लगभग 1 से 2 किलोमीटर में इन तंग राहों में से चल के आया हूँ। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से चल के आया हूँ, मैं कह रहा था कि बहुत आगे जाएंगे तो एक रास्ते से आपको बहुत सारे टूरिस्ट जाते हुए दिख रहे होंगे, वो कहेंगे 15 दिनार 10 दिनार ऐसे, ठीक है। तो उनके बहकावे मत आना, वो कहीं और लेके जाते हैं, मतलब ऊपर लेके जाएंगे और कहेंगे कि बिना टूरिस्ट गाइड के अलाउड नहीं है, क्या पता ना ही हो, मैंने इतना इनके साथ वो नहीं करा क्योंकि सब लोग टूरिस्ट गाइड के साथ ही जा रहे थे। तो वो कह रहे थे कि 10 दिनार पे आ गए थे वो, मैंने कहा ठीक है भाई। फिर एक चाइनीज टूरिस्ट ऊपर से उतर के आए, उन्होंने कहा कि भाई तुमने फ़ोटो तो कुछ और दिखाई, तुमने फ़ोटो तो कुछ और दिखाई और ले कहीं और गए। तो मेरा दिमाग खनका फिर भाई कि ये कुछ मेरे साथ ना ऐसा हो जाए, मेरे को जो फ़ोटो में देखा था मेरे को वही चाहिए था। तो फिर मैंने उनसे पूछा भाई क्या दिखाओगे, एग्जैक्ट बताओ क्या दिखाओगे। यहाँ पे हवा बहुत तेज़ हो गई थी और मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ये आपके पास लोकल्स आएंगे आसपास, इस टूर पे ले चलता हूँ उस टूर पे ले चलता हूँ, इन सबको अवॉइड करना, और अगर जाना ही है तो जितनी बारगेन हो सके 5 मिनट तक खड़े होकर बारगेन करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हद लेवल तक बारगेनिंग हो सकती है। शुरू से लेकर एंड तक इसमें 15 जगह हैं। तो ये दिखा दिया, फिर द डैम, द सिख में से हम आए हैं, द ट्रेजरी, फिर द थिएटर। थिएटर ये रहा, मैं यहाँ थिएटर में बैठा हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह सुबह आऊँ, 9 से 12 में पीछे का वो सारा एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि एक दिन में तो वापस चल के जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। और देखता हूँ और क्या कर सकते हैं, आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। 15 जगह हैं कुल, ये ले लेना 15 जगह, जो जो से पसंद आ जाए उसको घूम लेना। मैंने तो यही किया है, मेरे को ट्रेजरी और एक 15वीं जगह है वहाँ घूमना है बस, तो उस 15वीं जगह पे कल जाएंगे रोमन थिएटर। और फिर मैंने सोचा यार इतना आगे आ ही चुके हैं, मैप पे देखा मैंने कि 60% मैं कवर कर चुका हूँ, तो 40% बचा है, तो 40% भी आज ही करके चलते हैं, क्योंकि फिर कल सीधा डेड सी के लिए निकलेंगे और डेड सी से फिर अमान भी जाना है कल ही, क्योंकि डेड सी के आसपास कोई रिजॉर्ट्स नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा आज ही करके इसको फटाफट चलते हैं। और भाई यार ठंड का क्या करा जाए, जॉर्डन में ठंड को हल्के में ले गया मैं, यही सारा मजा ख़राब कर रही है बस। ठंड बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और ये कह रहे थे कि कल बारिश भी हो सकती है, तो मैंने कहा चलो आज ही निपटा देते हैं सारा पेट्रा को।
हिसाब से यहाँ पे भाई 5,000 रुपए की एंट्री है ना, उस हिसाब से इनके लिए भाई सबके लिए घोड़ा गाड़ी फ्री में लगवानी चाहिए इन लोगों को। 5,000 की एंट्री लेके भी 5 किलोमीटर चलना, 5 किलोमीटर वापस जाना, भाई हालत पतली हो जाती है बिल्कुल। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था ग्रेट टेम्पल, और उसके जो पीछे मैंने जूम किया था वो था 11th नंबर का जो यहाँ पे अट्रैक्शन है, 12वीं अट्रैक्शन है द ग्रेट टेम्पल। 13, 14 और 15 तीन रह गई, फटाफट वो कम्प्लीट करके चलते हैं वापस। कुछ नहीं है, मतलब इतना एक्साइटमेंट नहीं है यहाँ पे, बस आके फ़ोटो खिंचाओ। मतलब ठीक है ये पेट्रा है, 5,000 रुपये की एंट्री है, पर इतना एक्साइटेड मामला नहीं है यहाँ पे कि मतलब जैसे वादीरम में था ना, मैं एक्साइटेड था बिल्कुल, बिना कुछ देखे ही एक्साइटेड था, वो एक्साइटमेंट वाला मामला नहीं है यार पेट्रा में। अब आ गए हैं तो देख लेते हैं, पर ठीक है आना चाहो एक बार, जॉर्डन आ रहे हो तो आ जाओ पेट्रा, पर वादीरम को मिस मत करो भाई, वो जो एक्साइटमेंट वादीरम देगा ना वो पेट्रा वेट्रा में नहीं है यार। यहाँ पे तो बस क्या है, ये देखना है, फ़ोटो खिंचाओ और चले जाओ। तो चलते हैं 15वीं लोकेशन तक जाना है। टाइम कितना हो गया भाई, पता नहीं टाइम शायद 3 बज गए होंगे। बाल कैसे हो गए यार इस टोपी की वजह से, पता नहीं जैसे भी हैं। पेट्रा, अरे यार इस तरफ ज़्यादा ही उठे हैं ये। पेट्रा आ रहे हो तो अपनी पानी की बोतल, पेप्सी की बोतल, खाने पीने का सौदा सब लेते हुए आना होटल से, होटल के आसपास की दुकानों से, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी फेंटा ली जो मैंने अमान में 25 रुपये की ली थी, वहाँ यहाँ पर मैंने 100 रुपये की ली है। आप लोगों को पता ही है मेरे को पेप्सी फेंटा वगैरह का थोड़ा, मतलब बाहर दूसरे देश आ गए तो कुछ ज़्यादा ही शौक हो जाता है। 1 दिनार की 100 रुपये की फेंटा, वो भी छोटी वाली कैन जो अमान में 25 रुपये की ली थी। तो ऐसी पानी का सिस्टम भी यहाँ पर महंगा होगा। मैं थोड़ी देर यार अभी धूप सेक रहा हूँ, सुबह से ऐसी ठंडी हवा चल रही है ना भाई कि रशिया को फेल कर दिया इसने, इतना मैं इरीटेट कभी नहीं हुआ। पर ठीक है, गर्मी से तो ज़्यादा ही ठीक है। चलते हैं अभी यार, थोड़ा और बचा है। मतलब आपको दिख रहा होगा इस ब्लॉग में इतना एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि यार ये एक्साइटेड जगह है ही नहीं। चलते जाओ फ़ोटो खिंचवाते रहो, बस कुछ एक्साइटमेंट नहीं यार करने के लिए, कुछ मतलब ऐसा एक्साइटिंग वाला मज़ा नहीं आ रहा। चलो बस ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चों का चल रहा है शायद, इस तरफ कुछ चल रहा है, उसी की आवाज़ आ रही है, पर अपने ठीक है, आ गए पेट्रा। अब थोड़ा ठीक हो गया मौसम, हवा नहीं चल रही, बस ठीक तो खैर क्या हो गया। तो ये एक रेस्टोरेंट था, इसमें एक इंडियन बंदा काम करता है। मैंने उससे पूछा भाई ये जो आखिरी प्लेस है डेरा, ये कितनी दूर रह गई है, क्योंकि भाई चल चल के मैं पागल सा हो गया हूँ। तो उसने अपने मालिक से पूछा तो उसने बताया 45 मिनट जाना, 45 मिनट आना। अभी हुआ है 2:45, तो मैं पहुँचूँगा वहाँ पर 3:30 तक। 3:30 पहुँच के फ़ोटोग्राफी करवा के लगता है रात हो ही जाएगी। चलते अब आई गए इतने दूर, तो 45 मिनट और चली लेंगे, लेट्स गो। मतलब पूरा लग जाएगा 3 घंटे जाने के, 3 आने के, सुबह से शाम पूरा एक दिन पेट्रा में आप घूम सकते हो, पूरा मतलब एक दिन में कर सकते हो पूरा। इतनी सीढ़ियां चढ़ के आ चुका हूँ मैं, और अभी जा रहा हूँ यहाँ पे। ओ भाई बहुत ऊपर तक आया भाई, पर और नहीं चढ़ा जा रहा मेरे से उस जगह तक जाने के लिए, मैं और नहीं चढ़ सकता यार, बहुत दूर तक आया, यहाँ तक आया हूँ, पता नहीं कहाँ पे आई है, बहुत ऊपर। पर छोड़ो वापस चलते हैं यार, और नहीं हो रहा मेरे से, मैं हार मान के पीछे चलना शुरू कर ही दिया था मैंने। फिर दो लड़कियाँ मिली, मतलब एक दूसरी लड़की से पूछ रही थी वो कितनी दूर है, वो कहती 15 मिनट। मैंने सुना, मैंने कहा यार 15 मिनट और चल लेते हैं। फिर मैं चलने लगा, फिर से हिम्मत टूट गई मेरी, तो फिर मैंने कहा अब तो 5 मिनट बचे होंगे, चल लेते हैं। सारे लोगों का मतलब बुरा हाल हो गया यहाँ तक पहुँचने में। ये है मोनेस्ट्री, इसकी शॉर्ट दिखाता हूँ मैं, पहले वाली जैसी है, ट्रेजरी जैसी है, पर अगर यहाँ आ रहे हो और स्टेमिना चेक करना अपना तो एक बार ज़रूर आ जाओ। मतलब पैर से लेकर सिर तक सब दर्द कर रहा है मेरा तो, पर अपने आप में एक अकम्पलिशमेंट लग रही है मेरे को, यहाँ तक पहुँच गया।
देखो इसके शॉर्ट्स कितनी दूर आ गए। ट्रेजरी पहुंच गया हूं। यहां तक आते आते लग गया एक घंटा। इसके बीच में लिया था 5 मिनट का ब्रेक बस। सोच लो जाने में कितना टाइम लगा होगा। अभी भी यहां से कुछ 15-20 मिनट का रास्ता बचा है। तो भाई यही टूर ख़त्म करते हैं। पेट्रा का बैटरी ख़त्म होने वाली है, 5% बची है और एक ब्राइटनेस लो हो गई। और बस एक दो फोटो यहाँ खिंचा के होटल निकलता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पेट्रा की वीडियो पसंद आई होगी और अगली वीडियो तक बने रहिए क्योंकि अगली वीडियो में आने वाला है डेड सी।